मतलब यह है कि टीचर हिदायत दे, डायरेक्शंस दे, कैसे डू लाइक दिस, इस तरह से करें, स्टार्ट दिस वे, इस तरह से शुरू करें, यूज़ पेंसिल, पेंसिल का इस्तेमाल करें। बच्चों को क्रिटिसाइज करना है जो बच्चा उस्ताद की हिदायत के मुताबिक काम नहीं कर रहा, नो नो नो, यू शुडंट डू दैट, नहीं नहीं आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे एक चैप्टर नंबर 3 जो कि मोटिवेशन का चैप्टर है, इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट मोटिवेशन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट मोटिवेशन। ये कुछ पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं और ये दो टॉपिक्स का जो है कम्बिनेशन है, ठीक है। स्टूडेंट मोटिवेशन में भी वही बात है जो कि नेक्स्ट टॉपिक में है, तो हम इन दोनों को कम्बाइन करके पढ़ेंगे और मैंने उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जो कि मुझे ईजी लगे हैं और अच्छे लगे हैं और मुनासिब लगे हैं और समझने में भी आसान है, तो उनको मैंने डिस्कस किया। आपने पॉइंट्स लिखने हैं मैक्सिमम, तो उनको मैं बता देती हूँ और आप फिर इनको नोट करके लिख के बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो पहला है मेक इट रियल। रियल का मतलब होता है हकीकी बनाना, रियल लाइफ से रिलेट करना। तो जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको फॉर एग्ज़ाम्पल हम पढ़ा रहे हैं हाउ टू हेल्प अदर्स, इंग्लिश में सबक है, तो आपने ऐसी एक्टिविटी करवानी है, मतलब बच्चों को बुला लेना है, ठीक है। एक बच्चा गिर जाएगा और दूसरा बच्चा उसकी हेल्प कर रहा है, उसको उठा रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा जो है उसके पास पेंसिल नहीं है या कापी नहीं है, तो दूसरा बच्चा उसकी हेल्प कर रहा है, उसको पेंसिल कापी दे रहा है। इस तरह से जब आप इस तरह से एक्टिविटी करवाएंगे बच्चों को, तो उनको लगेगा कि ये जो हमने सबक पढ़ा है ये कोई और बात नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि वो तो वही कुछ है जो हम ज़िंदगी में करते आते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट करना किसी भी टॉपिक को उसकी असल ज़िंदगी से, बच्चे की ज़िंदगी से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक टीचर ऐसे ही आके सबक दे देता है कि आपने हाउ टू हेल्प अदर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है, तो घर जाके बच्चों को एक तो समझ नहीं आएगी और वो बोर महसूस करेंगे और वो फिर पढ़ेंगे नहीं। जब आप इस तरह की एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चा बड़ा अच्छा महसूस करेगा, उसे लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, ये इस तरह से हम रियल कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी, ये आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने कहना है कि स्टूडेंट वी कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्या करते हैं, सेलफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड, उनको दिखा कर फिर बच्चे बड़े दिलचस्पी से देखते हैं ऐसी चीज़ों को और फिर आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रोवाइड चॉइसेस का मतलब है कि बच्चों को आज़ादी दी जाए कि अगर वो चूज़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर वो चाहते हैं कि हमने इस दोस्त के साथ मिलकर काम करना है, ठीक है, तो अब भी टीचर इतनी आज़ादी दे कि बच्चा अपनी मर्ज़ी से अपनी दोस्त का इंतखाब कर सके, ठीक है। अगर आप उसको नहीं कहेंगे, नहीं इजाज़त देंगे, तो बच्चा यही सोचता रहेगा कि मेरा वो दोस्त होता तो मैं उसके साथ ज़्यादा अच्छा कर सकता था, ज़्यादा उसके साथ ही अच्छा कर सकता था, वो काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा। तो इसलिए टीचर इतनी आज़ादी दे बच्चे को कि वो आगे की तरफ चलिए अच्छा पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। इस लफ्ज़ को हम कहते हैं ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब है आज़ादी, खुद मुख्तारी, ठीक है। अच्छा, अगली बात है कि बैलेंस द चैलेंज। चैलेंज का मतलब है कि आप जो भी काम दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बैलेंस करें, यानी ना इतना आसान हो ना इतना मुश्किल हो, ठीक है। लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी इज़ स्लाइटली अबव देयर करंट लेवल, कि जो उनका मेंटल लेवल है उससे थोड़ा सा मुश्किल आप सवाल दें, ठीक है। अगर आप बहुत आसान सवाल दे देंगे तो बच्चे कहेंगे हमें आता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत मुश्किल सवाल देंगे तो भी बच्चे परेशान होंगे, एंग्जायटी होंगे, उन्हें लगेगा कि ये हम अनअटेनेबल है, इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, अगला है सीख रोल मॉडल। रोल मॉडल का मतलब होता है कोई नमूना बना दिखाना बच्चों को। मिसाल के तौर पर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप उसको जो है, या किसी और स्कूल का अगर कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा है और आया है, तो आप उसको अपनी क्लास में लेके जा सकते हैं और अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि देखें इसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है और इसकी बाकी इतनी अच्छी, मतलब ये बोलता है और इतना अच्छा पढ़ता है, इसकी पोजीशन है। इन चीज़ों को जब बताएंगे तो बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हैं जब, तो कहते हैं कि हाँ वो कर सकता है तो हमें भी करना चाहिए, फिर वो भी मोटिवेट होते हैं, फिर आगे अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, यूज़ पीयर मॉडल का मतलब है कि बच्चों को उन्हीं में से नमूना वही बच्चा दिखाएँ जो उनके साथ का हो। मिसाल के तौर पर अगर एक ही क्लास है तो उसी क्लास में से जो बच्चा ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, ठीक है, तो उसको आप जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं सबके सामने, बच्चों के सामने, तो बच्चे कहेंगे अच्छा ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, मैं भी कल को इतना अच्छा काम करके आऊँगा जितना इसने किया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी, अगली बात है एस्टैब्लिश ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमने मास्टर में भी पढ़ा है कि बच्चों को एहसास होना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम एक टीम की सूरत में, एक फैमिली की सूरत में हैं, टीचर भी हमारा खैर ख्वाह है और हम स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर बच्चा अकेला बैठा रहेगा तो वो इतना वर्क अच्छा नहीं कर सकता, जब वो टीम की सूरत में काम करेगा तो ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकता है। इसके लिए
टीचर को वर्क करना पड़ेगा कि वार्मथ एंड ओपननेस, बड़े दिल का मालिक हो और गर्म जोशी से बच्चे का इस्तकबाल करे और उन्हें कहे कि भाई आप हिस्सा लें, इस काम में हिस्सा लें, इस काम में हिस्सा लें, उनको हिदायत दे, ठीक है, दोस्ताना माहौल पैदा करे, उनकी मदद करे, तो फिर बच्चा जो ऐसे महसूस करता है जैसे हम एक फैमिली हैं और फिर वो आगे बढ़ता है। बजाय इसके कि बच्चा अकेला बैठा रहे, उसकी कोई हेल्प करने वाला ना हो, ठीक है, उससे कोई बात करने वाला ना हो, उसको कोई हौसला ना देने वाला हो, तो फिर बच्चा आगे नहीं बढ़ता। इसी तरह अगला है अडॉप्ट और सपोर्टिव स्टाइल। सपोर्टिव का मतलब है कि हेल्प करे टीचर, कौन कौन से मामलात में कर सकता है, लिसनिंग, उनकी बात को तवज्जो से सुन सकता है, उनको इशारे दे सकता है, इंकरेज, हौसला अफजाई कर सकता है, रिस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट क्वेश्चन, जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं उनका जवाब देने के लिए तैयार है। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल सपोर्टिव स्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ अहम को डिस्कस कर लेते हैं। लिसनिंग केयरफुली का मतलब ये है कि बच्चे अगर कोई बात कर रहे हैं तो टीचर उसकी बात को बड़ी तवज्जो से सुनेगा, ठीक है, बच्चों को कहे कि आप आपस में इस टॉपिक के बारे में मशवरा करें, ठीक है। अच्छा, यूजिंग प्रेज, प्रेज का मतलब तारीफ कर सकता है, गुड जॉब, वेरी गुड, एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट, आपने बहुत अच्छा किया। इनकरेज कर सकता है, वो किस तरह से, कि ऑलमोस्ट यू आर क्लोज, आप तकरीबन नज़दीक पहुँच गए हैं, यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं, तो इस तरह से बच्चे हौसला बढ़ता है उनका। हमें भी कोई कह देता है कि आप कर सकते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ जाता है और हम करने लग जाते हैं उस काम को। ऑफरिंग, हिंट्स दे सकता है बच्चों को, इशारे दे सकता है, कैसे कि अगर बच्चे ने एक नक्शा है गोद में रख के वो काम कर रहा है तो टीचर उसे कह सकता है आप इसको मेज़ पर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कापी को बच्चे बगैर गत्ते के इस्तेमाल करते हैं तो टीचर कहेगा अगर आप इसके नीचे गत्ता इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, बोर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं या बेंच के ऊपर रख लेते हैं, सख्त जगह के ऊपर रख लेते हैं, तो फिर आपको लिखने में ज़्यादा आसानी होगी, तो इस किस्म के इशारे दे सकता है। फिर बींग रिस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट जनरेटेड क्वेश्चन, जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं उनका जवाब देने के लिए टीचर हर वक्त तैयार है, यस यस यू हैव अ गुड पॉइंट, आपने बहुत अच्छी बात की, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा, और क्या कह सकते हैं, अच्छा इस तरह से येस राइट दैट वाज द सेकंड वन, ये आपने जो क्वेश्चन किया है या आपने जो बात की है इसकी और नुक्ता नज़र से आपने बात की है लेकिन आपकी बात ठीक है, इस तरह से। अच्छा, कम्युनिकेटिंग विद एम्पैथेटिक स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट दे जो हमदर्दाना, मसलन अगर एक बच्चा नहीं कर सकता तो फिर आप उसके साथ हमदर्दी करें बच्चा उसको डांटने के, यस दिस वन इज़ डिफ़िकल्ट, बिल्कुल ये मुश्किल है, आई नो दिस इट्स हार्ड टू टेल, मैं जानता हूँ कि ये बताना मुश्किल है लेकिन फिर भी आप इसको बताएं, कोशिश करें, मैं आपके साथ हूँ। इस तरह से जब टीचर स्टेटमेंट देता है तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अटरिंग डायरेक्टिव और कमांड्स, मतलब यह है कि टीचर हिदायत दे, डायरेक्शंस दे, कैसे, डू लाइक दिस, इस तरह से करें, स्टार्ट दिस वे, इस तरह से शुरू करें, यूज़ पेंसिल, पेंसिल का इस्तेमाल करें वगैरह। अगली बात है कि मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट द स्टूडेंट शुड मस्ट, मतलब शुड मस्ट के साथ आप बात करें कि आपको ये ज़रूर करना चाहिए, आपको ज़रूर करना चाहिए, यू मस्ट डू इट, यू कैन डू इट, यू शुड डू इट, यू ऑट टू डू वगैरह। अच्छा, आगे है कंट्रोलिंग क्वेश्चन का मतलब है कि अगर बच्चा कोई काम नहीं कर रहा तो फिर आपने उसको किस तरह से उसके वर्क की तरफ लेकर आना है, कि कैन यू मूव इट लाइक आई शोड यू, क्या आप इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको कहा है, Why don't you go ahead and show me, आप क्यों आगे नहीं आए और मुझे अपना काम नहीं दिखाया, तो इस तरह से बच्चों को अंदाज़ा होता है कि टीचर जो है मेरी मुझ पे नज़र है, मैंने अपना काम करना है, पीछे नहीं हटना। अच्छा, और अगली बात है कि मेकिंग स्टेटमेंट्स कम्युनिकेटिंग अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, कि अगर बच्चा टीचर बार बार बच्चों को एहसास दिलाएगा कि आप वी हैव ओनली फ्यू मिनट्स लेफ्ट, हमारे पास थोड़े से वक्त रह गया, इसको जल्दी करें, जब टीचर इस तरह की स्टेटमेंट देगा तो बच्चा कहेगा कि भाई मुझे जल्दी करना चाहिए और जो सुस्त बैठा होगा वो तेज़ हो जाएगा। यूज़ प्रेज, बच्चे की तारीफ़ करनी चाहिए, यू आर स्मार्ट, यू आर रियली गुड एट प्लेइंग, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज़हीन हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। क्रिटिसाइजिंग द स्टूडेंट, अच्छा अब ऐसे बच्चों को क्रिटिसाइज़ करना है जो बच्चा उस्ताद की हिदायत के मुताबिक काम नहीं कर रहा, नो यू शुडंट डू दैट, नहीं आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो इस तरह की फिक्र, ये मैंने कुछ जो लिखे हैं पॉइंट्स ये एक्स्ट्रा हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब इस टॉपिक में से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आ सकते हैं, तो इसमें भी वही हैं तकरीबन, इसको शॉर्ट ही डिस्कस करेंगे। टास्क स्टूडेंट आर आस्क्ड टू डू, यानी कि जो टीचर बच्चे को काम देता है तो कहे बच्चों को कहे करें आप इसको करें, आप किसी तरह से भी टीचर उकसाएगा उनको, हौसला अफजाई करेगा ताकि वो उस काम को करें। अच्छा, अगले है ऑटोनोमी ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि बच्चों को चॉइस दे, तो अब चॉइस ऑप्शन देनी है, ऑप्शन देने में बैलेंस रखना है, टू मच, बहुत ज़्यादा अगर आपने उनको आज़ादी दे दिया तो फिर तो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, वो अपना काम ही नहीं करेंगे, और टू लिटल, अगर आपने बहुत थोड़ी उनको आज़ादी दी हुई है बल्कि दी ही नहीं हुई तो भी बच्चे बोर महसूस करते हैं, ठीक है, तो आज़ादी देने में उनको एक
मियाने दरमियाना रवैया अख्तियार करना चाहिए। अच्छा, ग्रुपिंग प्रैक्टिस, अब आपने बच्चों को ग्रुप में वर्क करवाना है। जब बच्चे ग्रुप में बैठ के काम करते हैं ना, तो वो देखते हैं, अच्छा मेरा ये दोस्त कर गया, मैं भी करूँ, इसने कर लिया, मैंने नहीं किया, नहीं नहीं मुझे भी करना चाहिए, तो इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स में क्या है कि इस बात जो है ना टेस्ट करवाए बार बार, ठीक है, तो मार्क्स बच्चों के सामने शेयर करेगा, तो बच्चों को पता चलेगा मेरे उस दोस्त के मार्क्स अच्छे हैं, मेरे नहीं हैं, अच्छा मैम नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा, तो कंपटीशन भी करवा सकता है। अच्छा जी, शेड्यूलिंग ऑफ टाइम इन क्लासरूम, क्लासरूम में शेड्यूल बना सकता है कि अब हमारा इस टाइम में हमने ये करना है, इस टाइम में हमने ये करना है, तो बच्चे फिर आगे के अभी टाइम ख़त्म होने वाला है, तो हमें जल्दी जल्दी इस काम को करना है, मुकम्मल करना है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स थे, इसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं वो भी इसी टॉपिक से ही हैं रिलेटेड, लेकिन उनको भी डिस्कस करते हैं और फिर हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा। किस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को एक्सचेंज के लिए, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं उनको इनाम देकर, एक्सीलेंट वगैरह देकर, ये इसमें आ चुका है, लेकिन एक दफ़ा देख लें। इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, ऐसी सरगर्मियाँ करवाएंगे जिसमें बच्चे बड़ा दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है, उन्हें पजल्स दे सकते हैं, ठीक है। तो यूज़ ऑफ एवी एड्स का मतलब यह है कि आपने ऐसे चार्ट्स दिखाने हैं या ऐसी तस्वीरें दिखानी हैं जो देखने में दिलकश हों, जिसमें मुख्तलिफ कलर्स इस्तेमाल हों, तो बच्चे उसको वो चीज़ उनके जहन में नक्श हो जाती है जो तस्वीर होती है, बजाय इसके कि आप ज़ुबानी उनको बताते चले जाएँ। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, आप उनको इनाम दे सकते हैं और सज़ा भी दे सकते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर एक बच्चा खेलों में हिस्सा लेता है तो इस दफ़ा आप उसको खेल में हिस्सा ना लेने दें, ताकि उसको एहसास हो और वो नेक्स्ट अपना काम करके आए। मोटिवेटिंग स्टोरीज़ का मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी पोजीशन आई है, तो आप उसकी स्टोरी बता सकते हैं कि फलां की ये स्टोरी है, तो बच्चे फिर मोटिवेट होते हैं कि हाँ भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं। कंपटीशन का मतलब यह है कि आप मुकाबला करवा सकते हैं, दो ग्रुप बना सकते हैं, दो बच्चों में मुकाबला करवाएंगे, तो फिर बच्चे उसके लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। हाई एक्सपेक्टेशन का मतलब यह है कि टीचर जो है ना बच्चों से अच्छी तवक्कोआत रखे। टीचर कहे कि मुझे यकीन है कि आप मेरी क्लास बहुत अच्छी है और आप करेंगे, और मुझे यकीन है कि आप कल को बहुत अच्छा काम करके आएंगे, तो फिर जब बच्चा इस तरह से सुनता है तो उसे पता होता है कि भाई टीचर ने बड़ा एतमाद है मुझ पर, अगर हम नहीं करके जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमारे स्टूडेंट मोटिवेशन में आ सकते हैं, ये स्टूडेंट बच्चों को मोटिवेट करने में हेल्पफुल है। तो इसी के साथ ही हमारा ये आज का जो चैप्टर है मोटिवेशन का, ये भी एंड हो गया और ये क्वेश्चन भी एंड हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।